students, welcome back to my channel, Bansal Bagaji. In today's video, we are going to learn about a very important topic, that is Ramachandran plot from the unit biochemistry. It is a rank booster topic, as from this many questions have been asked in many papers. So it is a very important. Let's get started with the video. Before starting with the video, you must be knowing about peptide bond, amino acids. So if you haven't seen the previous video of mine regarding these topics, please go and watch those video and then come to this video for a very clear concept. But we will revise it a bit for just a minute. What is peptide bond? Peptide bond is a bond that is present between two amino acids. How it is formed? For example, the first amino acids contain a carboxylic group and the second amino acid contains an amino group. So what will happen? The OH and H of the respective amino acid will be removed in the form of H2O and a bond will be formed between C and N. We have seen this very clearly in the previous video. So it is known as peptide bond. Okay, that is the basic thing. Now if I say this pink colored carbon is alpha carbon, we have known that. So the bond that are present between these two alpha carbon are total of three bond. Three bond are present between these two C alpha carbon. That is the first bond, second bond and the third bond. One of the bond is peptide bond. And the rest two bond are the one bond that is present between C alpha and C. और दूसरा बॉन्ड है जो कि प्रेजेंट है एन और सी अल्फा के बीच में. सो अबाउट देम वी आर गोइंग टू सी इन जस्ट अ मोमेंट. फर्स्ट लेट्स सी अबाउट समथिंग एल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन अमाइनो एसिड्स एंड द पेप्टाइड्स, व्हाट दे हैव सीन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द पेप्टाइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड एन इज समवट शॉर्टर देन सी एंड एन बॉन्ड इन सिंपल अमाइन. क्या देखा साइंटिस्ट ने कि अगर वो सिंपल अमाइन को देखें जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो सी और एन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो लॉन्गर होता है. वही जो सी और एन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होता है वो शॉर्टर होता है. तो दे वर शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बॉन्ड तो वही है सी और एन के बीच में ही है, तो पेप्टाइड में वो स्मॉल क्यू और अमाइन ग्रुप में वो लॉन्गर क्यू. तो इससे एक बात क्या पता चली, व्हाट दे हैव सीन इज दैट इन दिस कंडीशन द पेप्टाइड बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड के पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. व्हाट दैट मींस, लेट्स सी दैट. सो हियर यू कैन सी अ नाइट्रोजन. यहाँ पे आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी होगी. इन नाइट्रोजन देयर आर फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो हियर थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट हियर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, सो अब इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत एक्साइटेड है, ये बोल रहे हम ऐसे तो नहीं रह नहीं सकते, हमें चाहिए एक बॉन्ड. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. व्हाट दे हैव डू इज दे हैव फॉर्मड अ पार्शियल डबल बॉन्ड. क्या इसमें कार्बन ने कुछ किया, नहीं, क्योंकि कार्बन बोल रहा है मेरी तो वैलेंसी पूरी है 1, 2, 3, 4, मेरे पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता. नाइट्रोजन ने बोला तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना सब कुछ. तो नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या बना लिया, उसने बना लिया पार्शियल डबल बॉन्ड. ओके, शेयरिंग टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, बट द कार्बन सेज आई कांट अफोर्ड फाइव बॉन्ड्स बिकॉज मेरी वैलेंसी सिर्फ फोर है. तो उसमें ऑक्सीजन ने बोला नो प्रॉब्लम आई विल टेक माय इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन के पास हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. दैट इज नोन एज रेजोनेंट स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत सिल्ली सा एग्जाम्पल है बट ठीक है, अगर आपने एक तरफा प्यार सुना होगा, समझो एक लड़की को एक लड़के से प्यार है, ठीक है, सिर्फ लड़की को ही लड़के से प्यार है, लड़के को नहीं है. सो दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर, और उनके बीच में कनेक्शन ज़्यादा होगा, या फिर एक ऐसे में जिनमें गर्ल एंड बॉय बोथ हैव क्रश ऑन ईच अदर एंड बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. तो इस केस में जो गर्ल एंड बॉय है वो ज़्यादा क्लोज होंगे, क्योंकि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही बॉन्डिंग है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से ही बॉन्डिंग है, तो क्या नहीं हो पाएगा, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, जो क्लोजनेस है वो इतनी नहीं होगी. सिमिलरली जब पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगी, तो क्लोजनेस ज़्यादा होगी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एज कंपेयर टू सिंगल नाइट्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड.
So due to which, what happens? Due to which the peptide bond is little bit shorter. तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ होती है वो क्या होगी 1.33 एंगस्ट्रॉम. वहीं यहाँ पे जो सी और एन के बीच में बॉन्ड है उसकी कितनी लेंथ होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो यू कैन रिमेम्बर दिस वेरी वेल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हेन दिस डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ कार्बन एंड नाइट्रोजन, जब डबल फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट नहीं हो पाएगा उतनी आसानी से. अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था तब तक बहुत आराम से रोटेशन हो रही थी, तब तक ये बहुत आराम से घूम पा रहे थे. लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड हो जाएगा वो इतनी ईजिली रोटेट नहीं हो पाएंगे. अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए, तो डू वन थिंग, होल्ड किसी भी चीज़ को पकड़ लेना एक हाथ से, कोई भी पिलर होगा या उसको, और खुद को रोटेट करके देखना. ठीक है, तब आप ज़्यादा एंगल तक रोटेट हो पाएंगे एज कम्पेयर टू उस चीज़ को अगर आपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर आप रोटेट होने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा. तो व्हाट डबल बॉन्ड इज डूइंग, डबल बॉन्ड इज लिमिटिंग द रोटेशन. डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, लिमिट हो जाएगा रोटेशन. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन वेरी वेल, बहुत काम आएगा ये रामाचंद्रन प्लॉट में. इतनी बात समझ में आ गई. लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉन्ड प्रेजेंट है सी अल्फा और सी के बीच में और सी अल्फा और एन के बीच में, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में. विच बॉन्ड? सी अल्फा एंड सी के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है और सी अल्फा और एन के बीच में एक बॉन्ड है. ये दोनों तो सिंगल ही है, दीज आर सिंगल, इनमें कोई डबल बॉन्डिंग नहीं हुई है. तो ये क्या कर सकते हैं, ये तो फ्रीली रोटेट हो सकते हैं. ये क्या हो सकते हैं, ये फ्रीली रोटेट हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी दिस डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रखा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रखा है. यहाँ पे ये एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है. बहुत ध्यान से देखना, कार्बन और सी अल्फा के बीच में और सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में. ठीक है, तो जो सी अल्फा और सी के बीच का बॉन्ड है वो रोटेट हो सकता है फ्रीली, और एन और सी अल्फा के बीच का जो बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट हो सकता है. लेट मी फर्स्ट इरेज दिस सो आपको क्लियरली समझ में आ जाए. तो जो रोटेशन होगा सी अल्फा और एन के बीच में, सी अल्फा और एन के बीच में जो रोटेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल करता जाएगा. पहले वो 0 डिग्री पे था, फिर वो 10 डिग्री पे पहुंच गया, फिर 20, ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है ना धीरे धीरे. अभी देखो 0 पे है, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे रोटेशन हो रहा है धीरे धीरे. तो ये क्या होगा, ये एंगल पे रोटेट हो रहा है. ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल या फिर टॉर्शनल एंगल या फिर कन्फर्मेशनल एंगल. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं. ऐसे ही सी अल्फा और सी के बीच में भी होगा, ये भी रोटेट हो सकता है और ये भी रोटेट हो सकता है. ठीक है, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे. जो सी अल्फा और एन के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं फाई, और जो सी अल्फा और सी के बीच में एंगल हो रहा है रोटेशन का उसको हम क्या बोलेंगे, साई. इसको बोलेंगे साई, इसको बोलेंगे फाई. ठीक है, याद करने में दिक्कत हो तो साई सी से थोड़ा रिलेटेबल है, साई सी, साई सी. तो इधर आ गया साई और इधर आ गया फाई. ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये एंगल बता रहा है जैसे जैसे जो बॉन्ड है वो रोटेट हो रहा है. पहले वो 0 पे था, फिर वो धीरे धीरे 10 पे आया, 20 पे आया, ऐसे ऐसे वो जब रोटेट होता जा रहा है. ठीक है, अब तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे है, इनका सेंटर क्या है, इनका सेंटर है सी अल्फा, इनका सेंटर है सी अल्फा. सी अल्फा के एक तरफ क्या प्रेजेंट है, फाई बॉन्ड, और एक तरफ क्या प्रेजेंट है, एक तरफ प्रेजेंट है साई बॉन्ड. अगर हम इस पूरे डायग्राम को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स दिखेंगे. जैसे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ऐसे है, यहाँ पे ऐसे दो प्लेन्स प्रेजेंट है. और इनका सेंटर क्या है, इनका सेंटर है सी अल्फा. ये कौन सा बॉन्ड है, ये फाई बॉन्ड है. ये कौन सा बॉन्ड है, साई बॉन्ड है. ठीक है, तो अब ये रोटेट हो रहा है धीरे धीरे धीरे, ये रोटेट हो रहा है. कौन सा बॉन्ड रोटेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल फाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है. तो फाई बॉन्ड अभी, फॉर एग्जांपल, ये दोनों ही किधर है, 180 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है, 180 डिग्री पे. ठीक है, ये रोटेट होना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, ये पहुंचेगा 90 पे, 0 पे, ये यहाँ पे पहुंच गया 0 पे, फिर रोटेट 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 ऐसे कर सकते हैं, राइट. वैसे ही सिमिलरली ये वाला साई भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है. तो इनका सेंटर क्या है, इनका सेंटर है सी अल्फा, और ये दो प्लेन्स है, ये एक प्लेन है
और ये एक प्लेन है, ठीक है। दिस प्लेन कंटेन्स सिक्स एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एज वेल एज दिस प्लेन कंटेन्स सिक्स एटम। ईच प्लेन के पास कितने एटम्स हैं? सिक्स एटम्स प्रेजेंट है, ओके। एंड द सेंटर ऑफ एटम्स एंड द सेंटर ऑफ द टू प्लेन्स इज सी अल्फा। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर टू थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज दिस एंगल, एंगल क्या है, फाइ किसका है, साई किसका है, और सी अल्फा जो है वो सेंटर है, और ऐसे बहुत सारे प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वही इसमें दिखा रखा है कि इसमें फाई और साई है, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, ये है फाई और साई दिखा रखा है, और इस वाले जो पिक्चर है उसमें साई जो है वो मूव कर रहा है, साई जो है वो रोटेट कर रहा है। तो साई पहले यहाँ पे था, धीरे धीरे वो रोटेट किया 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, माइनस 120 एंड माइनस 160। अगर जो बॉन्ड है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव में। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव में। वो टोटल मूव क्या करेगा, वो टोटल मूव तो 360 डिग्री पे ही करेगा, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। तो यहां से समझो उसने शुरू किया जीरो से, इफ इट इज मूविंग क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहां पे पहुंच जाएगा वो प्लस 180 पे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव 180 पे। नेगेटिव 180 एंड प्लस 180 एक ही पॉइंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज आए तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव 180, क्लॉकवाइज आए तो हम बोल देंगे प्लस 180, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे ये जो एटम्स है ये मूव कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रोटेशन है क्या इतना इजीली हो सकता है, इस बॉन्ड का जो रोटेशन है क्या इतना इजीली हो सकता है जितना इजीली हमें इसे लग रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि ले यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा इस पिक्चर में इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है। जब भी ये बॉन्ड्स रोटेट करेंगे तभी एटम्स क्या होंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत पास रह नहीं सकते, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। व्हाट दे विल कॉज, दे विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हमारा प्रोटीन है, वो स्टेबल नहीं होगा और वो रह नहीं पाएगा, तो दे विल कम बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल पोजिशन। तो ये रोटेशन क्या है, ये मैक्सिमम रोटेशन है कि फाई एंड साई कैन रोटेट फ्रॉम जीरो टू प्लस 180 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस 180 डिग्री, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करता है, जैसे कि एटम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये साई और फाई बॉन्ड दोनों ही जीरो डिग्री पे हैं। यहाँ पे क्या थे पहले में, अगर मैं देखूँ पहले में क्या थे, पहले ये 180 डिग्री पे थे, ठीक है, मैंने आपको बोला था ये दोनों 180 डिग्री पे हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ आ गए, ये दोनों आ गए जीरो डिग्री पे। When they came to zero degree, now you can see that the O of carboxylic group and the H of nitrogen group are too close to each other. इन दोनों का पिक्चर में देख सकते हैं कितने क्लोज हैं ये, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करें, ये कॉज करें स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या कॉज करेंगे, ये कॉज करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक का O है और जो नाइट्रोजन का H है, they came too close to each other. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये जो फाई बॉन्ड है ये तो ऐसे ही पड़ा बच है, लेकिन जो साई बॉन्ड है उसने क्या की, उसने रोटेशन की। जब ये साई बॉन्ड रोटेशन करेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये जो ओ है और ये जो ओ है वो क्या हो जाएंगे, बहुत क्लोज हो जाएंगे ईच अदर से, तो जिसकी वजह से भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। एक एग्जांपल है और एक ये वाला एग्जांपल है जहां पे दोनों ही जीरो डिग्री पे है, जिसकी वजह से क्या हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि एटम्स क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, जिसकी वजह से जो दोनों बॉन्ड है, जो साई और फाई एंगल कॉज करे, वो रोटेट तो कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन एक लिमिट तक ही, क्योंकि उसके बाद क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। सिमिलरली जो साइड चेन्स है, जो ये आर चेन्स है, साइड चेन है, वो भी क्या कर सकती है, साइड ग्रुप जो है वो भी क्या कर सकता है, वो भी स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द केस ऑफ ग्लाइसिन, उसमें जो साइड चेन है वो सिर्फ एच है, तो इट वॉन्ट कॉज एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये बोलेगा भाई तुम खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से क्या हो जाऊंगा, रोटेट हो जाऊंगा।
बट यहाँ पे जो प्रोलीन है उसमें एक साइक्लिक साइड चेन प्रेजेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा बल्की है. तो ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी मैं रोटेट नहीं होने दूंगा. फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं, आप कहीं पे गए हो, आप किसी लाइन पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके दोनों तरफ पतले पतले लोग खड़े हैं, ठीक है, बहुत भीड़ है लेकिन दोनों तरफ पतले पतले लोग खड़े हैं, आप आराम से रोटेट हो सकते हो, इस तरफ भी इस तरफ भी. आप मैंने गलती से यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, बहुत मोटा इंसान, तो आप इस तरफ तो मूव कर नहीं पाओगे, आप इसी तरफ मूव कर सकते हो. फिर मैंने इधर भी एक बहुत मोटा इंसान लाके खड़ा कर दिया, देन यू विल बी नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली. तो वैसे ही होता है, ये जो एंगल है, ये जो बॉन्ड्स है, बहुत इजिली रोटेट करते हैं, लेकिन कब तक, जब तक या तो कोई एटम बहुत क्लोज ना आ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज ना करे, या फिर जो प्रोलीन है या ऐसे अमाइनो एसिड है जो बहुत ज्यादा बल्की है वो ना प्रेजेंट हो आर्जिन में. अब वो जो कोई भी मोटा इंसान है या कुछ भी है वो बहुत दूर प्रेजेंट है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप रोटेट करोगे, लेकिन वो अगर पास आ गया तो आप इतना इजिली रोटेट नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत होने लग जाएगी रोटेशन करने में. सिमिलर थिंग गोज टू दी दिस अमाइनो एसिड थिंग भी, ठीक है. तो टू थिंग्स विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, वन इज एटम्स एंड सेकेंड इज द आर साइड चेन. ओके, ठीक है. तो अभी हमने देख लिया दो बॉन्ड्स का रोटेशन, और जिस दोनों बॉन्ड के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, साई और फाई. वैसे ही अगर बाय चांस ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी रोटेशन शो करेगा, ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी रोटेशन शो करेगा बाय चांस, तो उसके रोटेशन को एंगल को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे. उसके रोटेशन एंगल को क्या बोलेंगे, ओमेगा. कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कितने एंगल पे मूव किया, 10 एंगल पे, 20 पे, 30 पे, बाय चांस अगर वो मूव कर भी गया थोड़ा बहुत, तो उस रोटेशन के एंगल को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा एंगल. ओके, सो इफ यू सी फर्दर नाउ अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट, तो रामाचंद्रन ने क्या किया था, रामाचंद्रन ने एल एलेनिन अमाइनो एसिड पे वर्क किया था. एल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो अमाइनो एसिड स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, एक एल होता है और एक डी होता है, हम पहले ही देख चुके हैं. तो उन्होंने बेसिकली किस पे वर्क किया था, एल एलेनिन पे वर्क किया था और उनका रोटेशन देखा था. तो उन्होंने एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें उन्होंने वाई एक्सिस पे किसको लिया, साई को लिया, दैट इज सी एंड सी अल्फा बॉन्ड, और एक्स एक्सिस पे लिया सी एंड एल अल्फा बॉन्ड को जो कि क्या है, फाई. और उन्होंने देखा दोनों को अलग अलग एंगल पे रोटेट करके देखा, एलेनिन अमाइनो एसिड पे दोनों को अलग 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 एंगल पे रोटेट करके देखा और देखा कि कितना रोटेशन शो कर सकता है. तो व्हाट ही हैज डन, ही हैज मेड फोर क्वाड्रेंट. यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी फाई की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन साई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है. ऐसे आप सब में देख सकते हैं, बहुत ईजी है ये. बट यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ये जो डार्क ब्लू कलर का रीजन है, ये जो डार्क ब्लू कलर का रीजन है, यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड आराम से रोटेशन शो कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस. ये जो दोनों बॉन्ड है ये बहुत आराम से रोटेशन कर रहे हैं, यानी कि खुशी खुशी ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है. तो आप देख सकते हो ये जो डार्क ब्लू वाला रीजन है कितना कम है. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर साई का 120 है तो फाई का लगभग कितना है, फाई का यहाँ पे होगा माइनस, आई थिंक माइनस 120 150 के करीब. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही लेकर देखते हैं, अगर साई बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्या था, यहाँ पे दोनों का 180 था, तो साई अगर करीबन यहाँ पे है तो फाई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा. दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 120, 120, तो दोनों के एटम्स ना एक दूसरे को हिंडर करेंगे ना ही दोनों की साइड चेन. ऐसे ही अगर ये स्टिल 120 पे है तो ये कहाँ पे है, ये होगा करीब 60 पे या 40 पे. तो सिमिलरली अगर ये यहीं पे 120 पे है तो ये कहाँ है, ये है 40-60 पे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, तो जितनी दूर रहेंगे उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. तो उस हिसाब से यहाँ पे जो डार्क ब्लू वाला रीजन है वो क्या शो करेगा, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस. फिर ये जो लिटल लाइटर है, यानी कि हम बोल सकते हैं मीडियम ब्लू कलर का है, ये मीडियम ब्लू कलर में स्लाइट स्टेरिक हिंड्रेंस शो होने लग जाएगी. स्लाइट स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी शोन इन दिस लाइट ब्लू कलर, सॉरी मीडियम लाइट ब्लू कलर. और ये जो बिल्कुल लाइट है,
ये जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस पूरी शो होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो साई और फाई बॉन्ड तभी रोटेशन कर पाएंगे जब ओमेगा रोटेशन भी होगी। थोड़ी सी क्या होगी, ओमेगा रोटेशन होगी, यानी कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड भी स्लाइटली रोटेट करे। तो ये कब हो पाएगा, जब स्लाइटली रोटेशन हो किसकी, ओमेगा एंगल की, यानी कि हमारे पेप्टाइड बॉन्ड की। सो गॉट दिस पॉइंट। रामाचंद्र ने किसके लिए किया, एलेनिन अमाइनो एसिड के लिए किया, जिसमें जो डार्क ब्लू रीजन है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, थोड़े से लाइट ब्लू में स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो मूवमेंट वैसे नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा रोटेशन अगर ओमेगा जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी थोड़ी सी रोटेशन शो करे। तो जितने भी अमाइनो एसिड है उनके लिए ये जो रोटेशन है ये लगभग सिमिलर रहेगा। ये जो रामाचंद्रन प्लॉट की है वो जो है सिमिलर लेगा, ये जो बाउंड्री है वो सिमिलर रहेगी। मैं लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि इफ़ वी टेक अबाउट द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड पे जो साइड चेन होती है वो बल्की नहीं होती है, तो यहाँ पे ये जो ग्लाइसिन है उसकी बाउंड्री हो सकता है ज़्यादा हो, वो क्या शो करेगा, कम स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगी उसकी साइड चेन, तो यहाँ पे हो सकता है ग्लाइसिन का रामाचंद्रन प्लॉट पे ज़्यादा जो है एरिया हो। वही सिमिलरली जो प्रोलीन है उसमें क्या होगा, उसमें बहुत बल्की चेन होती है, तो ये क्या शो करता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है, तो इसका जो फाई एंगल है वो सिर्फ -85 से लेकर -35 से लेकर सिर्फ -85 डिग्री तक ही रोटेट कर सकता है। कौन सा फाई एंगल, बाकी वो रोटेट ही नहीं कर सकता है। क्यों हुआ ऐसा प्रोलीन में, बिकॉज इट हैज स्टेरिक हिंड्रेंस, अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, वहीं ग्लाइसिन में ऐसा नहीं है। प्लस तीन अमाइनो एसिड जो कि कैसे होते हैं, ब्रांच्ड अमाइनो एसिड, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, इन तीनों के लिए भी जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा क्योंकि ये तीनों बल्की हैं तो उसके लिए इन तीनों के लिए भी थोड़ा सा कम है, बाकी सारे अमाइनो एसिड के लिए एल एलिनिन जैसा ही लगभग होता है। ठीक है, तो ये था रामाचंद्रन प्लॉट रिगार्डिंग दी अमाइनो एसिड। नाउ देयर इज अ रामाचंद्रन प्लॉट फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसे कि बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स, इन सब के बारे में हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे व्हेन वी आर वेरी क्लियर अबाउट दोस, जब हमें पता है कि हाँ अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट क्या होता है, तो हम पहले वो सीखेंगे एंड देन विल सी अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। So guys, this was all about my today's video. I hope this video will help you a lot to understand the topic. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much guys. Bye bye.